राजधानी के 36 मॉल में नर्सिंग की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा का आरोप है कि वहां के सुरक्षा कर्मी ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी। मामले में थाने में FIR दर्ज की गई। दरअसल BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही छात्रा यूनिफॉर्म ड्रेस में अपने युवक दोस्त के साथ 36 मॉल में सोमवार को मूवी देखने आई थी। मॉल में मूवी थिएटर सिक्योरिटी इंचार्ज ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हुए उसका और उसके दोस्त का वीडियो बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5000 रुपए पैसे भी वसूले गए और जबरदस्ती मोबाइल छीनकर उसका नंबर भी लिया गया। इस मामले में गार्ड का भी कहना है कि छात्रा अपने दोस्त के साथ बैठकर अश्लील हरकत कर रही थी, जिस पर उन्हें रोका गया। यही वजह है कि आरोप लगाया जा रहा है कि उसके साथ छेड़छाड़ किया गया। मामले में दोनों ओर से थाने में शिकायत भी की गई है। महिला थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यदि छात्रा के साथ गलत हुआ है तो FIR दर्ज होगी। अब देखना यह होगा कि मामले में क्या कुछ सच्चाई सामने निकल कर आता है। अखिलेश जायसवाल।